जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अति महत्वपूर्ण सूचना है। जो विद्यार्थी आज से लग चुके हैं सीजीएल की तैयारी में यानी कि बीएसएससी सीजीएल में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ये बात आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले बता दें कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी 2014 के बाद से ही यानी कि जब वैकेंसी निकला उसके अगले साल से ही लोग वेट कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद जब 18 में ज्वाइनिंग हो गया उस समय से और विद्यार्थी ने वेट करना शुरू कर दिया। और वेट करने का कारण क्या है कि ये एक अच्छा जॉब है। अच्छा जॉब होने का कई सारा रीजन है कि आप इसमें अस्थायित्व तो एक है कि आप एक ही जगह रहेंगे, यदि सचिवालय सहायक होता है तो आपको पटना में ही रहना है और 5 डेज का जॉब होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। दूसरी बात बता दें कि बहुत टेंशन नहीं होता है और आप अपने परिवार को यानी आने वाला पीढ़ी को एक अच्छा शिक्षा दे सकते हैं पटना में, और राजधानी में रहना सब कोई चाहते हैं। ये भी एक चाहत है कि इस जॉब में बहुत कड़ा प्रतिस्पर्धा होता है यानी विद्यार्थी इसमें बहुत जो जिनमें क्वालिटी होता है उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो पिछले बार सिलेक्ट हुए हैं, उनसे भी मैं आप लोग को रूबरू करवाता रहूंगा जब जब जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले बता दें कि जो विद्यार्थी आप कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, आप इस बात को जानते हैं, तो आपको करना क्या है और किस तरीका से आगे की रणनीति होना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं वह ये नहीं करे कि अब सचिवालय सहायक का तैयारी करना है तो पुनः हम शुरू से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, शुरू से रीजनिंग कर रहे हैं, शुरू से जीएस कर दें, शुरू से साइंस कर दें। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपका कड़ा टक्कर होने वाला है चूंकि इसमें बैंक वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले और बहुत सारा ऐसा पद है जो देखते हुए सीओटीओ गुरु बीपीएससी के थ्रू जिन लोगों का कुछ नीचे वाला पद मिलता है वो लोग भी सोचते हैं कि हम इसमें फाइट करें। और फाइट इसलिए 150 प्रश्नों में 50% यानी कि 75 जीएस रहता है, तो इसलिए बीपीएससी वाले भी इसमें ध्यान लगाकर टकटकी निगाहों से देखते हैं। तो सभी लोग इसमें होड़ मचा कर लगे हुए थे। जिन सीजीएल में है उनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है, वो भी थोड़ा सा जीएस करके अच्छा से लग जाते हैं। तो इस परिस्थिति में, इस कड़ा मुकाबला में सीट बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको बैठना नहीं है, आपको इसमें एक सीट लेने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए आप अपने आप को किस पायदान पर हैं, कैसे हैं, इसको जज आप कैसे कीजिएगा, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। और उस उपाय को यदि लेकर आप चलते हैं तो आप 100% सफल होइएगा। एक मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को संपूर्ण देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप जो पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, हम मैं बताया था कि प्रीवियस 10 वाला सेट आया है वो लेकर आप उसे देख लें कि आप प्रीवियस में कैसे कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। जो विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि अभी नहीं हम थोड़ा सा और लेट से स्टार्ट करेंगे सेट प्रैक्टिस, वह गलत सोच रहे हैं, वह अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि ये देखिए रुक्मिणी प्रकाशन का सेट निकला हुआ है, ये केवल सेट है, इसमें प्रीवियस का अलग एक बुक है, ये 20 सेट का प्रैक्टिस है जिसमें ये ध्यान में रखा गया है कि आपका आने वाला प्रश्न कैसा होगा। और जो जिस तरीका से 10 सेट प्रैक्टिस निकाला है प्रीवियस ईयर निकाला गया था उसी के अनुपात में कि अब प्रश्न का वेरिएशन कैसा रहता है, आने वाला समय में प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, उस टाइप से इसमें प्रश्न सेट किया गया है। और इसको आप लोग डेली एक एक सेट लगाने का प्रयास करें, बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको हम देख पा रहे हैं कि इसमें डिस्कशन कराया गया। सबसे खास बात है कि डिस्कशन जबरदस्त है, एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न आप पढ़िएगा तो उस पर आपको 10 प्रश्न मिलेगा कि इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, मैंने बहुत सारा देखा लेकिन ये जो बुक देखा इसमें ये हमको पाया कि नहीं, जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उस पर इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के यानी एग्जाम टूर चैनल जो है एक प्रीवियस और एक इसका आपके साथ डिस्कशन कराने का प्रयास चल रहा है जो कि बहुत जल्द चालू होगा, समय भी आपसे बता दिया जाएगा। एक बात मैं और आपसे बताऊं, अब ये आप यदि 20 सेट लेते हैं और एक्सक्लूसिव प्रश्न है इसमें 20 सेट दिया गया है, सभी 150 प्रश्न है और सभी का डिस्कशन है, ये नहीं कि 150 में कुछ प्रश्न स्किप किया गया है, नहीं, सभी प्रश्नों का डिस्कशन है और एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है, साइंस हो या जीके जीएस हो। चलिए और एक मैं बात बता दूं आपसे, यदि इसमें कोई ये सोच रहे हैं कि मेरा जीके जीएस कमजोर है केवल मैथ्स के बल पर निकालेंगे, नहीं, इसमें वो भी विद्यार्थी बैठेंगे जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत जबरदस्त है लेकिन जीके जीएस कमजोर है, इसमें वो विद्यार्थी बैठेंगे बीपीएससी वाले या
कि जिनका जीके जीएस बहुत जबरदस्त है, मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर है, तो आप उस दुख और दर्द को, यानी कि आपका जीके जीएस कमजोर है या मैथ्स कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है, ये कैसे दूर कीजिएगा? इसका ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपका दूर हो जाएगा। नहीं, आप अपने आप को, जैसे मान लीजिए ये हम निकाले, ये बुक निकाला और एक सेट लगा दिया, आज एक सेट खोल दिए हम लोग, सेट नंबर वन डिस्कस किए, मतलब सेट नंबर वन हम बनाए अपने से बैठ के या किसी तरीका से बैठ के, जब एक सेट हम हल किए तो आप देखिए, कहीं जाकर यदि आप सेट लगाते हैं तो 2-3 घंटा आने जाने में समय बर्बाद होगा, उससे अच्छा है इसको देखें, बैठे अच्छा से सेट लगाएं और बगल में जो डिस्कशन दिया है उसको 2 बार पढ़ लें, और 2 बार पढ़े ही नहीं, जहां आपको लगे कि यहां समझ में नहीं आ रहा है वहां स्टार कर लें। इससे क्या होगा, फिर दूसरा सेट जब बनाएगा तब तक इस सेट का संपूर्ण प्रश्न आपको अपना हो जाएगा, आपके मन मस्तिष्क में हो जाएगा, तो इससे इससे आपका, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त जॉब होता है, बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि इसमें हम आ जाए। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न से, देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्न से ये रहता है, संपूर्ण ऑप्शन का डिस्कशन कराया जाता है, जिससे होता क्या है कि ये ऑप्शन मान लीजिए आज पूछा तो उसके इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास किया जाएगा, तो वहां से जो प्रश्न आएगा उसको आप डील कर सकते हैं, थोड़ा सा और बने रहेंगे। एक बात और है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए आप लोग इस पर बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप संपूर्ण तरीका से अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो सेट प्रैक्टिस अहम रोल अदा करती है। सेट प्रैक्टिस आपको लगाना पड़ेगा। यदि सेट प्रैक्टिस आप ये सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 माह में हम लगातार लगा के कर लेंगे, वही लोग फेल करते हैं, वही लोग कुछ अंकों से पीछे हट जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 2018 से लेकर 14 से लेकर अभी तक लगातार वो लोग सेट मार रहे हैं अपने हाथ से लिखकर। बहुत सारा सेट प्रैक्टिस चलता है जो अपने हाथ से लिखकर वो लोग 150-150 प्रश्न लाते हैं और करते हैं, तो उनके बराबरी आपको करना है और अपने कमजोरी को दूर करना है, तो उसके लिए आपको डेली एक सेट कम से कम सचिवालय सहायक का लगाना पड़ेगा, और वो प्रीवियस ईयर तो बता दिए हैं, ये सेट 20 का है। इसका यदि मूल्य की बात करें तो 160 रुपया में ये आपसे मार्केट में मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। यदि किन्हीं को कोई परेशानी हो BSSC से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आप जिस तरीका से मुझे बोलिएगा कि सर आप इस तरीका से होकर तैयारी कराएं, ये बुक को लाएं, तो मैं सभी विद्यार्थी से बोलता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं और विश्वास दिला दूं कि मैं उस काम को करने के लिए भी आपके साथ रहूंगा, और आप बस मेरे साथ जुड़कर, चैनल आपका है, एग्जाम टूर जो चैनल है ये आपका है, इसे आप जितना बड़ा बना दें, जितने विद्यार्थी को बेनिफिट होगा आप यहां से उठा सकते हैं। सब दूसरी बात मैं बता दूं कि आप यदि किसी जगह पे एक दिन दो दिन के लिए नहीं, आप एक रूटीन बनाइए, एक रूल बनाइए कि मुझे एक सेट प्रैक्टिस डेली करना है, मुझे एक मैथ्स का 25 प्रश्न सेट का डेली बनाना है, मुझे रीजनिंग का 50 प्रश्न डेली बनाना है। ये नहीं कि एक दिन बनाए अगला दिन सेट छोड़ दिए, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप को और कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।